गुड मॉर्निंग, मेरे साथ चाय हो जाए और चाय के ऊपर कुछ नमकीन बातें। नमकीन इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को गॉसिप्स बहुत अच्छी लगती है, सीधी साधी बात समझ में नहीं आती है। रिसेंटली जो हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ही भयानक आत्महत्या हुई है और पूरा का पूरा देश, वर्ल्ड वाइड सभी लोग बहुत दुखी हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। मैंने भी अपनी तरफ से जो मेरे मन में आ रहा था, जिस चीज़ को मुझे सपोर्ट करना था, 3-4 पिटीशंस निकले थे, मैंने सारे पिटीशंस पर साइन किया और सपोर्ट किया। पर आप लोगों को पता नहीं है आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा। पानी के बुलबुलों की तरह अगर एक आपने वेव शुरू की है तो उसको फट 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 करके भूल नहीं जाना। आज क्योंकि एक मौत हुई है तो आपने एक बात बोल दी, एक मूवमेंट शुरू कर दी, उसको बाद में आगे चल के भूल नहीं जाना, उसको याद रखना। नेपोटिज्म, गलत हक मारना और लोगों को अत्याचार करना, ये बात आज से नहीं होती आ रही है। मैं तीसरी जनरेशन हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे नाना जी ने 1926 में 30 से 40 फिल्में बनाई हैं उस दौर में, और ऐसे ऐसे नामों को काम दिया है जो तभी कोई नहीं थे और बाद में बड़े बड़े नाम बन गए। अशोक कुमार, निरुपा रॉय और बहुत सारे, IMDB कर लेना विट्ठल दास पांचोटिया का नाम। मेरे पिताजी, मेरी माता जी सब इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं। हम तीसरी जनरेशन है, मेरे मामा जी कैमरामैन। लेकिन ये बात हक की है, नेपोटिज्म आप जो बोलते हो, जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं उन्हीं को काम मिलता है। अगर ऐसा होता तो अभिषेक बच्चन आज की डेट में सुपरस्टार होता, अमिताभ जी के बाद में वही गद्दी लेकर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर किसी को डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आप जो जनता है ना, आप क्रिएट करते हैं, आप उन लोगों को गद्दी पर बिठाते हैं, आप ही शुरू करते हैं, भाई भाई ये बादशाह, राजा, बेटा, रानी, स्टार, दीवा, आप लोग शुरू करते हैं, आप और मीडिया। मीडिया है अपनी मन मर्जी से जिसको चाहे, जो ट्रेंडिंग होता है ना उसी की तस्वीर खींच के, उसी की पिक्चर को, उसको ही आगे बढ़ाते हैं। वो आगे पीछे देखते नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं है, वो कलाकार है कि नहीं है, वो डिजर्विंग है कि नहीं है, वो नहीं देखते हैं। आप लोगों के हाथ में है, आपकी जेब है, आपका पैसा है, आप अपनी जेब में अपना हाथ डालकर टिकट खरीदते हैं। आप बंद कर दीजिए ना, जो आपको पसंद नहीं आता है, आपको लगता है ये गलत कर रहा है, उसकी फिल्म जाके मत देखिए। हर एक इंसान अपनी अपनी कोशिश करता है आगे बढ़ने की, लेकिन जनता, जनता के हाथ में दम होता है किसको ऊपर चढ़ाना है और किसको नीचे गिराना है। नेता हो या अभिनेता हो, सब जनता के आगे झुकते हैं। तो जनता को अपना हक हमेशा याद रखना चाहिए। आप नहीं भूल सकते हो कि आपको कौन पसंद है, किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। जनता के हाथ में होता है सारा का सारा सब कुछ। जो भी आपने अभी तक पिटीशंस बनाए हैं और जिस पर आपने मूवमेंट शुरू की है, हम सब मिलकर उस चीज़ पर हक के लिए लड़ रहे हैं, उस हक को जिंदा रखना तब तक जब तक एक भी इंसान के साथ में जो अन्याय हो रहा है न्याय हो। कर कोई नया लड़का आता है, कोई नया प्रोड्यूसर आता है तो उसकी पिक्चर तुम चलाना, तुम चलाओगे और उसको हिट बनाओगे, तब जाके ये नेपोटिज्म खत्म होगा। तब जाके आप लोग जो सोचते हो कि सब कुछ न्याय के हिसाब से होना चाहिए वो होगा। अपना हक हमेशा याद रखना। चमत्कार को नमस्कार होता है। चमत्कार दिखाना है पूरा दिखाओ, आधा अधूरा दिखाकर छोड़ना नहीं। हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, पूरी लड़ना। कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप एक मूवमेंट में अंदर कूदते हो तो अंत तक रहना।
आधी ऊंचाई तक लेके जाके उसको छोड़ना नहीं, और गलत इंसान के ऊपर आपने मानसिक तनाव पैदा किया और वो इंसान ने सुसाइड कर लिया, तो फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सोचो, गेहूं के साथ में घुन पिसता है, इसमें गेहूं कौन है और घुन कौन है आपको जानना है। हर एक जगह पर नेपोटिज्म और यही एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लड़ाई को, इस तकलीफ़ को सहन करके, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर खड़े हैं, लड़ रहे हैं और जी रहे हैं। वो सारे नाम आप जानते हैं, अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। एक सही डिसीजन और एक छोटा सा गलत डिसीजन किसी की जान ले सकता है। जो भी करना है सोच समझ के करना है, और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखनी है। याद रखो, इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं। अगर मैं तीसरी जनरेशन हूँ, मेरे बाप की नहीं, तो फिर किसी के भी बाप की नहीं। यहाँ पर जो आता है अपने आप को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, और जो आपकी नज़र में और आपके दिमाग में उतर जाता है वही यहाँ पर स्टार बनता है। आपको अपनी आंखों से पर्दा हटाकर सच और झूठ को पहचान कर अगला सितारा बनाना है। याद रखना, चाबी हमेशा जनता के हाथ में है और जनता के हाथ में ही रहेगी। जनता है जो डिसाइड करती है कौन ऊपर चढ़ेगा और कौन नीचे गिरेगा। तो जनता को नमस्कार।